बट अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। क्या अगर एक HPV इन्फेक्टेड फीमेल के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या किसी भी और तरीके का कैंसर एक मेल को भी हो सकता है? ये जो कैंसर है ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले अफ्रीका में, इंडिया में और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा है, और डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो इसका इंसिडेंस 5-10 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस कैंसर के डायग्नोस होने के बाद या ट्रीटमेंट के बाद भी क्या एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? अभी जो हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया या आप सबने सुना ही होगा कि फ्री वैक्सीनेशन उन्होंने अनाउंस किया है 9-14 साल के बच्चों के लिए। अभी सेफ टू अज्यूम कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रही हो सर्वाइकल कैंसर की तो भी आपको ये कैंसर हो सकता है। तो फिर इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को HPV इन्फेक्शन हो गया है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो फिर सर्वाइकल कैंसर का रूप लेगा ही लेगा? पूनम पांडे यूं तो वैसे ही काफ़ी विवादों में घिरी रहती हैं, पर रिसेंटली उन्होंने एक और विवाद के बीच में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया। डेथ फेक करने के बाद जब वो सामने आई तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए किया था। अब पूनम पांडे का ये कदम अच्छा था या बुरा, सही था या गलत, इस पर हम आज चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये एक और संजीदा विषय पर चर्चा है जो कि सर्वाइकल कैंसर खुद है। डॉक्टर बाबुल बंसल जो एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हमारे पॉडकास्ट पे एक रेगुलर गेस्ट भी हैं, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ भी डिक्लेयर किया है और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी था। इसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अभी सर्वाइकल कैंसर की फ्री वैक्सीनेशन अनाउंस की है। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, ना सिर्फ लेडीज़ के लिए बल्कि मैं बोलूँगा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेंट्स के लिए भी, मेल्स के लिए भी, क्योंकि आपकी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं, आप अगर उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके पति हैं, तो आपकी भावी जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय में जानकारी रखें भी और अपनी फैमिली में जो लेडीज़ हैं उनको एनकरेज करें कि इस तरह की चीज़ों के बारे में खुल के बात हो। तो इसी उपलक्ष्य में आज सर्वाइकल कैंसर के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। Please allow me to welcome Dr. Babul Bansal to the podcast. Hi, Dr. Babul, how are you? I'm good, Abhishek. How are you? All good, thanks. And मेरे partner in crime Hasan, और आज Hasan क्यों ना तुमसे ही शुरू करें? Thank you, Abhishek. मेरे ख्याल से सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए viewers को, जो हमने एक छोटा सा एक test run किया था, जिसमें लोगों से पूछा था कि उनको cervical cancer के बारे में क्या पता है, और 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि cervical cancer होता क्या है। तो वील स्टार्ट विथ डॉक्टर बंसल के सर्वाइकल कैंसर के बारे में प्लीज आप हमें बताइए कि ये एक्चुअल में है क्या। यस हसन, गुड क्वेश्चन हसन। जो सर्वाइकल कैंसर है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स। नाउ क्वेश्चन उठता ये है कि सर्विक्स क्या होता है। अब सर्विक्स को अगर आसान भाषा में बोले तो इट इज द गेट कीपर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी। तो सर्विक्स जो होता है बच्चेदानी और योनि के बीच का द्वार है, ठीक है। और ये जो कैंसर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन। यूजुअली कैंसर जेनेटिक एबरेशंस के कारण होते हैं, बट ये जो कैंसर होता है ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है, दैट ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये एक वायरस है, ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, और ये जब एक बार इन्फेक्ट करता है तो कुछ समय इन्फेक्ट करने के बाद सर्विक्स के नॉर्मल सेल्स में कुछ चेंजेस करता है, तो दे लीड टू अ प्री मैलिग्नेंट चेंज। प्री मैलिग्नेंट से मतलब कुछ तो फर्क आया है नॉर्मल सेल्स में, मगर वो कैंसर नहीं बने, मतलब कैंसर से पहले की स्टेज। और ये प्री मैलिग्नेंट सेल्स दे टेक सम 5-10 ईयर्स टू कन्वर्ट इनटू अ सर्वाइकल कैंसर। सो इजली पुट, सर्वाइकल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स एंड इट इज कॉज्ड बाय अ इन्फेक्शन, दैट ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये जो इन्फेक्शन से कैंसर ले तक का सफर है, इसमें 5-10 साल लगते हैं। ओके, तो ये डॉक्टर बंसल कितना कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर? असल सर्वाइकल कैंसर इज हाईली अंडर अप्रिशिएटेड इन द सोसाइटी, बिकॉज लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बट अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, और कुछ रूरल एरियाज में तो ये कॉमनेस्ट कैंसर है, ठीक है। और ये जो कैंसर है ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले। तो अफ्रीका में, इंडिया में और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में
ये काफ़ी ज़्यादा है, और डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो इसका इंसिडेंस 5 to 10 times ज़्यादा होता है। तो इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं स्टार्टिंग में, क्या वो साइंस होते हैं जिसको देखकर अवेयर होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए किसी भी पेशेंट को और डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? असल अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अर्ली स्टेज में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, मगर जो अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग होने चाहिए, दैट इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब दो पीरियड्स के बीच के समय में ब्लीडिंग होना, या फिर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, पेल्विक पेन होना, पेट के नीचे निचले हिस्से में या योनि की तरफ दर्द रहना, पैर हाथ पैरों का सूज जाना, पैरों में दर्द रहना, ये सब सिम्टम्स हमें थोड़ा अलार्मिंग अलार्म करना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर बंसल, आपने सिम्टम्स के बारे में तो बताया ही, साथ ही साथ क्यों ना हम इसके कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में भी बात कर लें। ये सब विषय तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है, और 99% ऑफ दीज केसेस, 99%, सो ऑलमोस्ट ऑल द केसेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन ऑफ द वायरस कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो लोगों को जानने चाहिए, उसके बारे में भी प्लीज बताइए। सो टेकिंग फॉरवर्ड द डिस्कशन अभिषेक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है, एंड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस दीज इन्फेक्शन आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, तो किसी का मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, और ये स्टडीज में देखा गया है कि जो नंस होती हैं, जो क्रिश्चियन नंस होती हैं, जो कि सेलिब्रेट होती हैं, उनमें ये कैंसर पाया ही नहीं जाता, और जो लेडीज बहुत ज्यादा सेक्सुअली प्रोमिस्कस होती हैं उनमें ये काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स भी काफी मैटर करता है, तो जितनी कम एज में इन्फेक्शन हो उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। इसके अलावा स्मोकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स सच एज HIV एड्स ऑल्सो लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर लोगों का होता है कि क्या अगर एक HPV इन्फेक्टेड फीमेल के साथ कांटेक्ट में आने के बाद क्या किसी भी और तरीके का कैंसर एक मेल को भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सो HPV एसोसिएटेड कैंसर एक ग्रुप है, तो सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर कॉज्ड बाय HPV, बट इसके अलावा ओरोफेरेंजियल कैंसर मतलब कि थ्रोट का कैंसर, पिनाइल कैंसर या मतलब लिंग का कैंसर, या फिर एनल कैंसर या गुदा का कैंसर, काफी वो भी HPV के कारण हो सकता है। तो डॉक्टर बंसल, इस कैंसर से बचाव के या प्रिवेंशन के कुछ तरीके होते हैं, तो प्लीज उसके बारे में हमें जरूर बताइए। यस अभिषेक, सो टेकिंग फॉरवर्ड द डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैंसर इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये इन्फेक्शन एक प्री मैलिग्नेंट स्टेज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो प्री मैलिग्नेंट स्टेज कैंसर में तब्दील होता है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ये इन्फेक्शन ही ना होने दें, या फिर अगर इन्फेक्शन हो जाए और प्री मैलिग्नेंट स्टेज में पहुंच जाए तो हम उसको डिटेक्ट कर लें कैंसर बनने के पहले। तो कैंसर नहीं होने देना, इसका एक तरीका है वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हमारी वित्त मंत्री कुछ समय पहले बात कर रही थी, और दूसरा तरीका है कि हम इस प्री मैलिग्नेंट स्टेज को पिकअप कर लें, जो कि स्क्रीनिंग के जरिए किया जाता है, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो नॉर्मली इसको रोकने का एक तरीका है वैक्सीनेशन, तो क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में ऑडियंस को अवेयर कर सकते हैं प्लीज? जी, अभिषेक, HPV जो वायरस होता है उसके 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं, बट कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो कि कैंसर जिनके पैदा करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसको हम हाई रिस्क HPV वायरसेस कहते हैं, और जिसके सबसे कॉमन सबटाइप्स हैं सबटाइप 16 और सबटाइप 18। तो इन सबटाइप्स के अगेंस्ट वैक्सीन होती हैं, जो काफी पॉपुलर वैक्सीन हैं, उनका नाम गार्डासिल और सर्वाइरेक्स है, और ये मार्केट में अवेलेबल है। हमारे इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो भी कुछ वैक्सीन बना रहा है, और वो रिसर्च के बाद उनको काफ़ी कारगर साबित हुई हैं, और अभी जो हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया, या आप सबने सुना ही होगा कि फ्री वैक्सीनेशन उन्होंने अनाउंस किया है 9 से 14 साल के बच्चों के लिए, और ये सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। डॉक्टर बंसल, आपने बात की वैक्सीनेशन की, लेकिन जो स्क्रीनिंग इसकी होती है सर्वाइकल कैंसर की, उसके लिए क्या एक रेकमेंडेड एज है जिसमें स्टार्ट करना चाहिए स्क्रीनिंग करवाना? असल में आपको स्क्रीनिंग के तरीके और फिर एज के बारे में बताऊंगा। स्क्रीनिंग के दो तरीके हैं, या तो हम ये हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लें, या फिर जो प्री मैलिग्नेंट सेल्स बन गए हैं उनको डिटेक्ट कर लें। तो
जो वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट है उसको हम HPV DNA टेस्टिंग कहते हैं, और जो प्रीवेलेंट सेल्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको पैप स्मियर कहा जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये हम 25 से 65 साल तक की महिलाओं को रिकमेंड करते हैं, और रिकमेंड करते हैं कि हर तीसरे साल ये टेस्ट कराया जाए, और अगर दोनों टेस्ट एक साथ करा रहे हैं तो रिकमेंड करते हैं कि हर पांचवें साल ये टेस्ट कराएं। ओके। तो जो स्क्रीनिंग के आपने दो मेथड्स बताए, उसके अलावा कोई और भी मेथड होता है जिससे स्क्रीनिंग होती है? हसन, एक और तरीका होता है जिसको कि हम VIA बोलते हैं। ये हम थोड़े रूरल सेटअप में करते हैं जहाँ पे कि DNA टेस्टिंग और पैप स्मियर संभव ना हो पाए, वो उसको कॉल्पोस्कोपी के जरिए किया जाता है। और इन सब के अलावा ये टेस्ट अगर हमें कुछ शक पैदा करते हैं तो इसके बाद जो स्टेप अप करते हैं हम कॉल्पोस्कोपी पे करते हैं, और अगर उसमें भी शक पाया जाता है तो हम बायोप्सी लेके फिर उसका इलाज करते हैं। ओके। तो जो ये स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? नो हसन, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स टू दी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो डॉक्टर बंसल, जिसने वैक्सीनेशन दे दिया है सर्वाइकल कैंसर का, क्या उसको भी स्क्रीनिंग करानी चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन हसन। ये काफी पेशेंट मेरे से ये सवाल पूछते हैं, और इसका जवाब ये है कि हाँ, जरूरत है। क्यों जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि ये वैक्सीन 70% इफेक्टिव होती है। तो जरूरी नहीं कि आपको, आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपको कैंसर के रिस्क जीरो हो गया, ऐसा नहीं। सो दे रिड्यूस बाय 70%, बट 30% रिस्क अभी भी बरकरार है। तो अगर कोई पेशेंट वैक्सीनेशन लेता है तो भी उसको रिकमेंडेड है कि वो स्क्रीनिंग कराए। डॉक्टर बंसल, मेरा एक सवाल है, वापस मैं आपको टेस्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। आपने स्क्रीनिंग का एक तरीका बताया पैप टेस्ट, और दूसरा HPV का भी टेस्ट होता है, तो क्या ये सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? अभिषेक, ये डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, HPV टेस्टिंग इज एम्ड एट डिटेक्टिंग द DNA ऑफ द वायरस। तो HPV DNA टेस्टिंग से हम वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं, और पैप स्मियर से हम जो प्रीवेलिगेंट सेल्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको नेचुरल हिस्ट्री बताता हूँ कि आपको इन्फेक्शन होता है HPV वायरस से, वो सेटल इन करता है, कुछ सालों बाद वो कुछ कैंसरस चेंजेस करता है जो कि प्रीमेलिग्नेंट सेल्स के रूप में पाए जाते हैं, और ये प्रीमेलिग्नेंट सेल्स फिर कुछ सालों बाद कैंसर का रूप देता है। तो हमारे पास एक लॉन्ग प्रीमेलिग्नेंट फेज है, फ्रॉम इन्फेक्शन टू प्रीमेलिग्नेंसी टू मेलिग्नेंसी। तो हमारे पास काफी एवेन्यूज है इसको डिटेक्ट करने के और ट्रीट करने के। जी जी। तो फिर इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को HPV इन्फेक्शन हो गया है तो क्या ये जरूरी है कि वो फिर सर्वाइकल कैंसर का रूप लेगा ही लेगा? अगेन अ गुड क्वेश्चन अभिषेक। HPV इन्फेक्शन हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होगा। HPV इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, 100 तरीके के हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है। उसमें से जो हाई रिस्क वायरसेस हैं वही सर्वाइकल कैंसर बनाते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपको HPV इन्फेक्शन हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग हो गया। कई ज्यादातर इंस्टेंसेज में HPV इन्फेक्शन होने के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, कुछ ही केसेस में वो क्रोनिसिटी पैदा करता है या लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। और हाई रिस्क इन्फेक्शन होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो कुछ कैंसरस चेंजेस पैदा करे। तो अगर 100 लोगों को HPV इन्फेक्शन होता है तो मैं बोलूंगा एक या दो को ही सर्वाइकल कैंसर। तो डॉक्टर बंसल, सर्वाइकल कैंसर की भी बाकी कैंसर की तरह कुछ स्टेजेस होती हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? यस अभिषेक, तो जैसे बाकी कैंसरों की तरह इस कैंसर की भी 4 स्टेजेस होती हैं, बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलूं तो हम इसको 3 तरीके से बांट सकते हैं। 1 वुड बी लोकलाइज कैंसर, मतलब कि कैंसर सर्विक्स तक ही सीमित है। सेकेंड वुड बी लोकली एडवांस्ड कैंसर, मतलब कि सर्विक्स से बाहर तो निकला है लेकिन फैला नहीं और आसपास के ऑर्गन्स को ही उसने इन्वॉल्व किया है। और तीसरा है मेटास्टेटिक कैंसर, जिसमें कि कैंसर जो है पूरे शरीर में फैल चुका है। तो ऐसे केसेस में जहां पर कैंसर फैल चुका होता है, ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर बंसल? यस, तो अभिषेक, हमारे ट्रीटमेंट के 3 ऑप्शंस होते हैं। एक है सर्जरी, दूसरा है रेडियोथेरेपी, और तीसरा है कीमोथेरेपी। लोकलाइज स्टेज में यूजली हम सर्जरी प्रेफर करते हैं, लोकली एडवांस्ड केसेस में रेडियोथेरेपी अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी प्रेफर करते हैं, और जो मेटास्टेटिक केसेस होते हैं उसमें हम कीमोथेरेपी के जरिए इलाज करते हैं। बाय द वे, इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए डॉक्टर बंसल के ही साथ शूट किया गया हमारा पिछला पॉडकास्ट आप जरूर देखिए, जिसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें हमने कैंसर इन जनरल क्या है, उसके प्रिवेंशन मेथोडोलॉजीज क्या हैं, मोडालिटीज क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसी काफी अच्छी जानकारी हमने शेयर करी है, तो प्लीज उसको जरूर चेक कीजिए। तो कमिंग बैक टू सर्वाइकल कैंसर डिस्कशन डॉक्टर बंसल, क्योंकि ये एक यंग एज कैंसर है, तो एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि
इस कैंसर के डायग्नोस होने के बाद या ट्रीटमेंट के बाद भी क्या एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है? यस अभिषेक, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई वुड से। सिंस ये कैंसर जो है ये एक यंग एज कैंसर है और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को काफी इफेक्ट करता है, तो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई हो तो वो क्या करे। तो अगर किसी की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई होती है तो हम वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कि पेशेंट खुद ही प्रेग्नेंट हो पाए, और दूसरा अगर खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो एटलीस्ट सरोगेसी के जरिए वो एक बच्चा प्राप्त कर पाए। तो जो कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाते हैं उन केसेस में हम ट्राई करते हैं कि हम केवल सर्विक्स निकालें और बच्चेदानी को प्रिजर्व कर लें। तो ऐसे केसेस में फ्यूचर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, ऑल्दो अबॉर्शन रेट थोड़े हाई होते हैं लेकिन प्रेग्नेंट सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। और अगर किसी पेशेंट में थोड़ा सा एडवांस कैंसर है जिसमें कि हम बच्चेदानी प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उसके एग्स हम हार्वेस्ट कर लें बिफोर द इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, सो दैट इन फ्यूचर थ्रू IVF टेक्निक्स एटलीस्ट थ्रू सरोगेसी वो संतान प्राप्ति कर सके। चलिए ये जानकर अच्छा लगा कि देर आर वेज टू स्टिल कंसीव एंड गेट प्रेग्नेंट इवन आफ्टर डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यस यस। पर डॉक्टर बंसल, इसके साथ साथ कई सारे मिथ्स भी एसोसिएटेड होते हैं जो लार्जली लोगों के बीच में होते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली एक टैबू सब्जेक्ट है। उनमें से कुछ कॉमन मिथ्स की अगर बात करें तो एक होता है कि जिसको सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हुआ है क्या ये जरूरी है कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हो या वो प्रोमिस्क्यूस रहा हो? एंड बाय द वे दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, प्रोमिस्क्यूस। या अभिषेक, गुड क्वेश्चन अगेन, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो रहा हो तो वो प्रोमिस्क्यूस लाइफस्टाइल उसने जी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना, बट ये और भी कारणों से ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जैसे कि पुअर हाइजीन, दैट इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ HPV वायरस इन्फेक्शन। डॉक्टर बंसल, ये देखा गया है कि कैंसर्स जो हैं एज अ होल वो जेनेटिक होते हैं काफी सारे इन नेचर, तो क्या सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी जेनेटिक होता है कुछ उसका नेचर? नो हसन, सर्वाइकल कैंसर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेरिडिटरी कैंसर। जैसे मैंने आपको बताया था 99% ऑफ दीज कैंसर आर कॉज बाय इन्फेक्शन, ठीक है, और हेरिडिटरी एबरेशंस कॉज अ वेरी मिनिस्क्यूल प्रपोर्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो द मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड दे आर नॉट बिकॉज कि वो फैमिली या पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अभी सेफ टू अज्यूम कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रही हो सर्वाइकल कैंसर की तो भी आपको ये कैंसर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हसन, इस कैंसर का फैमिली हिस्ट्री से ज्यादातर कुछ लेना देना नहीं होता है। दिस कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड नॉट बिकॉज ऑफ बैड जीन्स। अच्छा डॉक्टर बंसल, एक और इंटरेस्टिंग मिथ होता है या मिसकंसेप्शन होता है कई लोगों में, क्योंकि कैंसर अगेन एक हश हश सब्जेक्ट होता है और इससे रिलेटेड एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है इसके कंटेजियस नेचर को लेके, कि क्या अगर किसी सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को कोई लेट्स से लेडी अटेंड कर रही है या घर का कोई दूसरा सदस्य अटेंड कर रहा है तो क्या उसको भी ये या कोई दूसरा कैंसर हो सकता है एज अ पार्ट ऑफ इट बीइंग कंटेजियस? नो अभिषेक, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि किसी केयर गिवर को जो कि क्या सर्वाइकल कैंसर पेशेंट को अटेंड कर रही हो उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया, राइट? So yes, there's no evidence and people who are taking care of cervical cancer patients should not be afraid ki unko care taking ke karan unko cancer ho jaye. Thank you Dr. Bansal ek aur episode mein itni sari clarity dene ke liye. Thank you Abhishek, the pleasure was entirely mine and thank you for giving me the platform to spread awareness about cervical cancer. Absolutely, and I'm sure ki aaj aapne phir se एक और कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की होगी जो आपको हेल्प करेगी अपना 2.0 अनलॉक करने में। आज के एपिसोड से रिलेटेड आपकी क्या राय है, क्या कुछ फीडबैक है, क्या सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज उनको हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए और डॉक्टर बंसल से हम कोशिश करेंगे उनके आंसर्स आप तक पहुंचाने के लिए। बढ़िया, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप अनलॉकिंग 2.0 यू।